यह कहानी एक ऐसे आदमी की है जो इंसानों को पकड़कर अपने घर में ले जाता है और वहां उनके साथ एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करता है जिसके कारण वे बुरी तरह से तड़पकर मर जाते हैं। तो कहानी की शुरुआती में हम डॉक्टर हेटर को देखते हैं जो अपनी कार में बैठा होता है, जो कि एक तस्वीर को देख रहा होता है जिसमें तीन जानवर एक के पीछे एक खड़े होते हैं। उसके बाद हम वहीं पर एक ट्रक को देखते हैं जिसका ड्राइवर ट्रक से उतरकर झाड़ियों में बाथरूम करने जाता है, जिसके बाद डॉक्टर उस आदमी को देख लेता है और उसे अपनी गन से मारकर बेहोश कर देता है। जिसके बाद हम दो लड़कियों को देखते हैं जिनका नाम जेनी और लिंडसे होता है। ये दोनों लड़कियां न्यूयॉर्क से होती हैं लेकिन जर्मनी घूमने के लिए यहाँ पर आई होती हैं। फिर रात को जब ये गाड़ी लेकर एक क्लब में जा रही होती हैं तभी ये रास्ता भूल जाती हैं और एक जंगल में फंस जाती हैं। लेकिन जैसे ही ये वहां से निकलने लगती हैं तभी इनकी कार का टायर पंचर हो जाता है और ये दोनों और ज्यादा घबरा जाती हैं क्योंकि इन दोनों को टायर बदलना नहीं आता है। उसके बाद वे दोनों वापस अपनी गाड़ी में बैठकर किसी का इंतजार करने लगती हैं। कुछ देर बाद उस रास्ते से गाड़ी गुजरती है जिससे वे हेल्प लेने लगती हैं। उस कार में एक आदमी बैठा होता है। अब वह उन दोनों को अकेला देखकर उनके साथ बदतमीजी करने लगता है लेकिन वे दोनों अपनी कार को अंदर से लॉक कर लेती हैं, जिसके बाद वह आदमी वहां से चला जाता है। फिर वे दोनों गाड़ी से बाहर आकर वहां से हेल्प के लिए पैदल ही जाने लगती हैं। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक घर में लाइट जलती हुई दिखाई देती है, जिसके बाद वे हेल्प के लिए उस घर की ओर जाने लगती हैं। तभी अचानक वहां बारिश शुरू हो जाती है और वे दोनों उस घर पर पहुंचने से पहले ही भीग जाती हैं। वे दोनों उस घर के पास पहुंचकर दरवाजे पर बैल को बजाती है। उस घर के अंदर से हम उसी डॉक्टर को देखते हैं जिसका नाम डॉक्टर हेटर होता है। ये दोनों डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम्स बताती हैं और मैकेनिक को कॉल करने को कहती हैं। तब वह डॉक्टर पहले तो उन्हें अजीब तरह से देखने लगता है, इसके बाद डॉक्टर उन्हें घर के अंदर बुला लेता है। तब डॉक्टर उससे पूछता है कि तुम दोनों एक दूसरे की रिलेटिव हो क्या, लेकिन वे दोनों बताती है कि वे दोनों अच्छी फ्रेंड है, साथ ही वे दोनों टूरिस्ट है जो कि न्यूयॉर्क से जर्मनी घूमने के लिए आई होती है। वे दोनों डॉक्टर हेटर को मैकेनिक को कॉल करने को कहती है। तभी डॉक्टर उनके लिए पानी लाने चला जाता है और अंदर जाकर कॉल करने का नाटक करने लगता है, जिस पर जेनी और लिंडसे को लगता है कि डॉक्टर हेटर मैकेनिक को कॉल कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर हेटर उस पानी में ड्रग डाल देता है और वे दोनों जब पानी पीने लगती हैं तब लिंडसे तो पानी पी लेती है लेकिन जेनी से पानी नीचे गिर जाता है। अब यह देखकर डॉक्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह उसे डांटने लगता है। उसके बाद वह पानी को साफ करने के लिए बेसमेंट से कपड़ा लाने जाता है, जहां वह जेनी के लिए एक ड्रग से भरा इंजेक्शन लेकर आता है। उधर लिंडसे को नींद आने लगती है और वह बेहोश हो जाती है। अब यह देखकर जेनी काफी घबरा जाती है और वह वापस डॉक्टर हेटर को मैकेनिक को कॉल करने को कहती है, लेकिन वह मना कर देता है और वह उन दोनों को बेहोश कर देता है। उसके बाद हम हेटर को अपना खाना खाते हुए देखते हैं, जहां अब जेनी और लिंडसे को होश आ जाता है जो कि एक रूम में बेड पर बंधी होती है। ये देखकर वे दोनों काफी ज्यादा घबरा जाती है, जहां हम उसी ड्राइवर को भी देखते हैं जिसे डॉक्टर हेटर ने शुरुआती में बेहोश कर मारा होता है। उसके बाद हेटर उस आदमी के पास आकर उसे कहता है कि तुम्हारे मरने का टाइम हो गया है और उसे एक पॉइजन का इंजेक्शन लगाकर उसे जान से मार देता है। फिर वह उस आदमी को अपने घर के गार्डन में ले जाकर उसे दफना देता है और फिर वहाँ एक नए आदमी को ले आता है। डॉक्टर हेटर उन तीनों को अपना इंट्रो देता है जो बताता है कि उसका नाम डॉक्टर हेटर है और वह उन पर एक एक्सपेरिमेंट करने वाला है, जिसमें वह उन तीनों को एक दूसरे से जोड़ देगा, जिसमें पहले तो वह उनके लिंगामेंट्स को तोड़कर एक इंसान के पिछले हिस्से में दूसरे इंसान के मुंह को और दूसरे के पिछले हिस्से में तीसरे के मुंह के साथ जोड़ देगा, जिससे कि जब पहला इंसान खाना खाएगा तो उसका वेस्ट मटेरियल दूसरे के शरीर में होता हुआ तीसरे के अंदर चला जाएगा, जो कि एक डायग्राम में अच्छे से समझाया गया है। अब यह सुनकर वे तीनों काफी ज्यादा घबरा जाती हैं क्योंकि डॉक्टर उनके साथ काफी गंदा एक्सपेरिमेंट करने वाला है, जिसके बाद वह उन्हें बेहोश करने लगता है, जिसमें वह उस आदमी को पहले बेहोश का इंजेक्शन लगा देता है जिससे कि वह आदमी बेहोश हो जाता है। अब जेनी यह देखकर जोरों से चीखने लगती है लेकिन कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर पाता है और जैसे ही हेटर जेनी को बेहोश करता है लिंडसे अपने हाथों को खोलकर वहां से भाग जाती है, जहां वह एक रूम के अंदर छुप जाती है। तभी हेटर उस रूम की विंडो को तोड़कर वहां आ जाता है लेकिन लिंडसे वहां से भाग जाती है और वह बाहर जाकर स्विमिंग पूल में चली जाती है। लेकिन हेटर वहां पहुंचने के बाद उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। लिंडसे उसे बचने के लिए पानी के अंदर जाती है, तभी वहां अचानक लाइट चली जाती है, जिसका फायदा उठाकर लिंडसे जेनी के पास जाती है और उसे वहां से ले जाने लगती है। लेकिन जैसे ही वह उसे लेकर वहां से जा रही होती है, हेटर उसे पीछे से गन से बेहोश कर देता है और वापस उन्हें उसी रूम में ले जाता है और वह अपना ऑपरेशन स्टार्ट करता है, जहां वह उनके मुंह पर एक निशान कर जेनी और लिंडसे का जबड़ा निकाल कर उनके पिछले हिस्से को मार कर उन्हें एक दूसरे से जोड़ देता है। अब काफी समय बाद हेटर का ऑपरेशन पूरा हो जाता है।
और साथ ही वह अपने घर के उस विंडो के शीशे को भी ठीक करा देता है। एंड फाइनली वह अपना एक्सपेरिमेंट पूरा कर लेता है जहाँ वह उन तीनों से ह्यूमन सेंटीपेड बनाता है, लेकिन वह उन तीनों को उठा लेता है जहाँ अभी तक उनके जख्म ठीक तरह से भरे भी नहीं होते हैं। अब हम देखते हैं कि हेटर ने शुरुआती में उसी आदमी को लगाया होता है और उसके बाद लिंडसे और जेनी को एक दूसरे के पीछे जोड़कर ह्यूमन सेंटीपेड बनाया होता है। अब यह उन तीनों को खड़ा कर उनको फोटो लेने लगता है, लेकिन उनके घाव अभी ठीक तरह से भरे भी नहीं होते हैं और वह उन्हें अपना चेहरा मिरर के अंदर दिखाता है। यह सब देखकर वे तीनों काफी ज्यादा रोने लगते हैं। वह उन्हें एक पिंजरे में लॉक कर देता है और उन्हें काफी दिनों तक उनके साथ जानवर जैसा बर्ताव करता है और वह उन्हें खाने के लिए कुत्तों का खाना देता है, जिसके बाद वह आदमी मौके का फायदा उठाकर हेटर के पैर में काट लेता है, जिसके बाद हेटर उसे काफी बुरी तरह मारता है और उसे कहता है अगर यदि वह दोबारा वापस ऐसा करता है तो वह उसे जान से मार देगा। उसके बाद वह उन तीनों को बाहर गार्डन में ले जाता है और उन्हें काफी ज्यादा टॉर्चर करता है। तभी हम उस आदमी को देखते हैं जिसे वॉशरूम लगने लगती है और वह अपना वेस्ट मटेरियल जैसे ही छोड़ता है सीधा लिंडसे के मुंह में चला जाता है और लिंडसे को मजबूरन उसे निगलना पड़ता है। फिर एक दिन वह उन तीनों का चेकअप करता है, तभी उसे पता लगता है वह आदमी ठीक है, लेकिन लिंडसे को कॉन्स्टिपेशन हो गया है जिसके कारण वह काफी बीमार हो गई है क्योंकि वह उसका वेस्ट मटेरियल ठीक से चबा नहीं पाई है। जेनी भी काफी बीमार हो चुकी है। तभी हेटर के दरवाजे पर कोई आ जाता है। जब वह वहां जाकर देखता है तो उसे पता लगता है कि पुलिस होती है। वह दरअसल जेनी और लिंडसे को ढूंढते हुए यहाँ पहुंच चुके हैं। अब हेटर उन्हें बताता है कि वह एक डॉक्टर है जो कि अपने काम के कारण काफी बिजी होता है, इसीलिए वह ज्यादा बाहर नहीं जा पाता है। वह उन ऑफिसर्स के लिए पानी लेने जाता है जहाँ वह उनके पानी में भी ड्रग्स मिला देता है। वह उन ऑफिसर्स को वह पानी पिलाता है, लेकिन दूसरा ऑफिसर उस पानी को नहीं पीता है, इसीलिए वह उसे जबरदस्ती पिलाने को कहता है, लेकिन वह उसे नीचे गिरा देता है, जिसके बाद वे वहां से चले जाते हैं। ऑफिसर के जाने के बाद हेटर अपना बनाया हुआ ह्यूमन सेंटीपेड देखने लगता है जो कि उसकी लैब के अंदर नहीं मिलता है। तभी वह आदमी हेटर के पैर में चाकू घुसा देता है और वह हेटर को नीचे गिरा देता है, जिसके बाद वह हेटर का गला काट कर ऊपर की ओर जाने लगते हैं, लेकिन उन्हें काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है, लेकिन वे कैसे भी करके ऊपर पहुंच जाते हैं, लेकिन हेटर भी उठकर उनका पीछा करने लगता है। वे उसी शीशे के पास आ जाते हैं, लेकिन वे नहीं जानते हैं कि हेटर ने उसे ठीक करा दिया है। अब वह आदमी उस शीशे को तोड़ने लगता है, तभी हेटर भी वहां पहुंच जाता है। वह आदमी हेटर को वहां देखकर उस शीशे के टुकड़े से अपना गला काट लेता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब वे ऑफिसर भी वहां आ जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता है। तभी एक ऑफिसर हेटर की लैब में जाता है, लेकिन तभी दूसरे ऑफिसर को उस ड्रग का नशा होने लगता है और वह ऑफिसर जैसे ही दूसरे रूम में जाता है वे तीनों उसे मिल जाते हैं जो कि अब ह्यूमन सेंटीपेड बन चुके होते हैं। उनकी इस हालत को देखकर ऑफिसर भी काफी ज्यादा डर जाता है और वह जैसे ही अपने साथी को देखने जाता है जहाँ हेटर उसके दूसरे साथी को जान से मार देता है, और वह जब उसे देखने बाहर जाता है तब हेटर उसे भी सूट कर मार देता है, लेकिन वह ऑफिसर मरने से पहले उस हेटर को भी गन से सूट कर जान से मार देता है, जिसके बाद हेटर की भी मौत हो जाती है। उधर जेनी भी दर्द के कारण अपना दम तोड़ देती है, लेकिन लिंडसे अभी तक जिंदा होती है। एंड इसी के साथ मूवी का फर्स्ट पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो और नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्दी एक और वीडियो के अंदर।